गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा मस्ती में। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आरसीसी का सेशन लेके चल रहे हैं, जिसमें ये हमारी तीसरी क्लास है। और इसमें यहाँ पे जो है कि हम WSM की बात करेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन जो मेथड्स है, डिज़ाइन आरसीसी जो मेंबर्स होते हैं उनके डिज़ाइन की कितनी विधियाँ हैं, कितनी प्रोसेस होते हैं, कितने तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे आपका लिमिट स्टेट मेथड्स होता है, WSM होता है, और भी दो विधियां होती है जिनके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। तो प्रबलित कंक्रीट जो अवयव होते हैं उनके अभिकल्पन की विधियां, मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी मेंबर। तो जो आरसीसी मेंबर होते हैं उसके डिजाइन करने की कई सारी विधियां होती हैं। जैसे आपका कार्यकारी प्रतिबल विधि होता है, इसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोला जाता है WSM। उसके बाद आता है सीमांत अवस्था विधि, लिमिट स्टेट मेथड्स सेकंड मेथड होता है। यही दो मेथड आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आता है चरम बार विधि, अल्टीमेट लोड मेथड्स, ये तीसरी विधि हो जाती है, जिससे आप जो है कि किसी भी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने का जो हमारा विधि होती है, तीन विधियां होती है, WSM, LSM और अल्टीमेट लोड मेथड्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो है कि कार्यकारी प्रतिबल विधि और सीमांत अवस्था विधि को ही पढ़ना है इस सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है। और ये जो अल्टीमेट लोड मेथड है इसको हमें पढ़ना नहीं है, फिर भी इसको देख लेंगे हम। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करी जाए कि डिजाइनिंग क्यों की जाती है, किसी भी जो आरसीसी मेंबर्स होता है उसका डिजाइन क्यों किया जाता है, उसका एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, तो जो संरचनाएं होती है ना आपकी, वो सुरक्षित रहें और लाभकारी रहें और मितव्ययी हों। ठीक है। जो हमारा कॉस्ट लग रहा है उसको कंस्ट्रक्ट करने में कम से कम लगे, और जो संरचना हो हमारी वो क्या हो, मैक्सिमम जो है कि वो प्रॉफिट दे, सुरक्षित भी रहे और जो है कि लंबे समय तक वो चलने वाली संरचना हो। इसलिए हम इन जो स्ट्रक्चर होता है उसका डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करने के मेरे पास तीन मेथड हैं। तो सबसे पहले हम आज फर्स्ट मेथड के बारे में देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो उद्देश्य आपका यही होता है कि संरचनाएं आपकी सुरक्षित होनी चाहिए, लंबे समय तक चलने वाली होनी चाहिए, लाभकारी होनी चाहिए और जो है कि इकोनॉमिकल होनी चाहिए। तो इन सब के लिए हम डिजाइनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। उसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है कि किस तरीके से डिजाइन में हम क्या करते हैं। ठीक है। तो डिजाइनिंग में क्या करते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है उसमें विभिन्न अवयवों पर पड़ने वाले भारों का सही सही आकलन किया जाता है। ठीक है। जितने भी स्ट्रक्चर में आपके एलिमेंट्स होंगे, जो पार्ट्स होंगे, तो हर पार्ट्स पे कितना लोड आ रहा है, तो उन सभी लोड का सही सही से आकलन किया जाता है डिजाइनिंग के अंतर्गत। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका अगर बीम का एग्जांपल लिया जाए, तो ये बीम है, तो बीम पे लोड आ रही है। ठीक है। बीम पे क्या रही है, ये लोड वर्क कर रहा है बीम पे, तो इस लोड का सही से हम क्या करेंगे, आकलन करते हैं, इसका इसका वैल्यू जो है पता करते हैं कि कितना बीम पे हमारे वास्तव में लोड आ रहा है। उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं, खंडों का माप ज्ञात करते हैं, जो सेक्शंस होते हैं। जैसे बीम को अगर हम यहाँ से कट कर दें तो यहाँ पे एक सेक्शन देखने को मिलेगा, तो इस सेक्शंस का माप ज्ञात करते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है और इसकी गहराई डेप्थ कितनी है। ठीक है। इसका पता करते हैं, जैसे इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बी, गहराई हो जाएगी आपकी डी, इसका पता करते हैं। उसके बाद प्रबलन इस्पात की मात्रा ज्ञात करते हैं। ठीक है। प्रबलन इस्पात की मात्रा क्या होती है इसको पता करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टील इन रिइंफोर्समेंट इसकी वैल्यू पता करते हैं कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कार्यकारी प्रतिबल विधि, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM देखते हैं। तो WSM को देखा जाए तो ये आपका कार्यकारी भारों पर आधारित माना जाता है। ठीक है। जो WSM मेथड्स होता है वो जो होता है कार्यकारी भारों पर आधारित होता है। ठीक है। यानी जो लोड जो है कि स्ट्रक्चर में रियल में काम कर रहा है उस पर यह आधारित विधि होती है। मान लीजिए हमारा एक स्ट्रक्चर है आपका बीम है, बीम का एक एग्जांपल लेंगे, तो ये बीम है, इस पे जो है कि 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो लोड एक्चुअल में लोड कितना आ रहा है, 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो इस लोड को हम कहते हैं कार्यकारी भार कहते हैं, वर्किंग लोड कहते हैं, जो रियल में वर्क कर रहा है। तो इसी को इस कार्यकारी प्रतिबल विधि में आधार माना जाता है और इसके आधार पर जो है कि स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाता है। जबकि अगर बात करी जाए LSM की, लिमिट स्टेट मेथड की, तो लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है कि ये वास्तव में तो 10 किलो न्यूटन आ रहा है, 10 किलो न्यूटन, लेकिन इसको हम लिमिट स्टेट मेथड में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, इसकी जगह हम जो है कि 12 किलो न्यूटन लेंगे, 13 किलो न्यूटन लेंगे। यानी एक फैक्टर होता है
पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोला जाता है, आंशिक सुरक्षा गुणक, उससे गुणा किया जाता है जो वर्किंग लोड होता है, जो ये लोड आ रहा है इसमें गुणा कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, लोड की आपकी बढ़ जाती है। यानी 10 किलो न्यूटन का एक्चुअल में लोड आ रहा है लेकिन हम उसको 12 किलो न्यूटन मानते हैं लिमिट स्टेट मेथड के अंतर्गत, ठीक है। तो वो प्रोसेस आपका अलग है, वो आपकी मेथड अलग है, उसके बाद में बात करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम बात करते हैं आपका कार्यकारी प्रतिबल विधि की। इसमें 10 किलो न्यूटन आ रहा है तो ये आपका लोड कार्यकारी भार कहलाएगा और इसी को आधार माना जाता है WSM के अंतर्गत, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो चुका होगा पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है कि प्रबलित कंक्रीट संरचनाओं के अभिकल्पन की यह एक पुरानी एवं सर्वाधिक प्रचलित विधि है। ये जो विधि है WSM ये आपकी पुरानी विधि है, ठीक है। ये डिजाइनिंग की, अभिकल्पन का इंग्लिश होता है डिजाइन, ठीक है। तो डिजाइन की एक पुरानी विधि है और पुरानी है तो सर्वाधिक प्रचलित विधि है, पहले की विधि है, प्रचलित विधि है, ठीक है। तो दो पॉइंट आपके क्लियर हो गए। फर्स्ट आपका कार्यकारी भारों को आधार माना जाता है और सेकंड आपका ये। थर्ड की बात करी जाए तो कंक्रीट व इस्पात को प्रत्यास्थ मानकर अभिकल्पन किया जाता है, ठीक है। तो WSM का जो सबसे बड़ा दोष होता है, जो फॉल्ट होता है, जो ड्रॉबैक है, जो कमी है इसकी, वह यही होती है कि कंक्रीट को भी इसमें प्रत्यास्थ मान लिया जाता है, ठीक है। यानी जो प्रतिबल, यानी प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, जब उस पर लोड आएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, तो ठीक है। और जब लोड हट जाएगा तो डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, हट जाता है। तो रियल में देखा जाए तो कंक्रीट आपकी प्रत्यास्थ होती नहीं है, लेकिन फिर भी WSM के अंतर्गत कंक्रीट को प्रत्यास्थ माना जाता है, जो इसका मेन ड्रॉबैक है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कार्यकारी प्रतिबल विधि पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बीम है, इस पर लोड आ रहा है, ठीक है। तो बीम पे जब लोड आ रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, क्या हो जाएगा, विक्षेप देखने को मिलेगा बीम में, ठीक है। तो जब ये विक्षेप देखने को मिलेगा तो विक्षेप जो है आपका कंक्रीट में भी होगा और इस्पात में भी होगा, दोनों एक दूसरे से साथ साथ बंधे हुए हैं और एक होमोजीनियस मटेरियल की तरह वर्क कर रहे हैं, एक समांगी पदार्थ की तरह कार्य कर रहे हैं और इसमें डिफ्लेक्शन जो है समान देखने को मिलेगा। और जब ये लोड हटेगा तो ये बीम जो है वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में चली जाएगी। इस क्वालिटी को प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं और ये गुण जो होता है कंक्रीट व इस्पात दोनों में माना जाता है और ऐसा मान करके WSM के अंतर्गत डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो इसका मेन ड्रॉबैक्स यही मिलता है आपको देखने के लिए यहाँ पे, ओके। तो ये तीनों पॉइंट को हमने देख लिया। चौथा आपका पॉइंट है कि चरम प्रतिबलों पर पहुंचने पर कंक्रीट जो होती है प्रत्यास्थ स्थिति से सुघट्य स्थिति में आ जाती है, ठीक है। यानी जब मैक्सिमम जो स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है कंक्रीट के अंतर्गत उत्पन्न हो जाता है तो कंक्रीट जो होती है सुघट प्रत्यास्थ स्थिति से सुघट्य में चली जाती है, यानी इलास्टिक से प्लास्टिक हो जाती है, ठीक है। कंक्रीट के इस बदलाव के कारण खंड की भार वहन क्षमता का शुद्धता से आकलन नहीं हो पाता है। ये कंक्रीट के जो बदलने की गुण है, क्वालिटी है, इसके कारण हम इस पे जो इसकी जो रियल कैपेसिटी होती है लोड को कैरी करने की, लोड को वहन करने की, उसको हम शुद्धता से जो है कि पता नहीं कर पाते हैं इस गुण के कारण। फिर आता है कंक्रीट और इस्पात के बीच जो बंध होता है, जो बॉन्ड होता है, वो पूर्ण माना जाता है, परफेक्ट। यानी ये जो कंक्रीट और इस्पात है एक दूसरे को मजबूती से जकड़े रहते हैं, ठीक है, पकड़े रहते हैं। इसके बीच मजबूत जो बॉन्ड होता है इतना परफेक्ट होता है कि वो भीतर से एक दूसरे को थोड़ा भी इधर उधर छोड़ते नहीं है, पकड़े रहते हैं मजबूती से। जो बॉन्ड होता है वो पूर्ण होता है, ठीक है। दोनों पदार्थ हुक के नियम का पालन करते हैं, यानी प्रतिबल जो होती है विकृति के सीधे अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोनों पदार्थ कंक्रीट और इस्पात दोनों जो है कि हुक के नियम का पालन करते हैं। अब थोड़ा सा एजम्पशन है कार्यकारी प्रतिबल विधि में मूल संकल्पनाएं, एजम्पशन जो ये मेन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एजम्पशंस वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंतर्गत जो एजम्पशंस है कुछ देखने को मिलते हैं, आपके पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। कोई भी जो अनुप्रस्थ परिच्छेद होता है, जो बंकन से पूर्व क्या होता है, समतल होता है, बंकन के पश्चात भी समतल रहता है,
ठीक है। जैसे आपका बीम है, बीम का यहाँ पे एक सेक्शन है, ये बीम बेंड नहीं है, सीधी बीम है, इसका जो सेक्शन है अनुप्रस्थ काट है वो ए है, ठीक है। तो वो क्या है, समतल है, जो बेंडिंग से पूर्व है समतल है, और जब ये बीम बेंड हो जाएगी तो इसका जो अनुप्रस्थ काट होगा तो वो भी जो है कि समतल होना चाहिए। ये इसका पहला एजम्पशन है हमारी डब्ल्यू एस एम मेथड्स का, कि कोई भी अनुप्रस्थ परिच्छेद जो बंकन से पूर्व क्या है समतल है, बंकन के पश्चात भी समतल रहता है। ये एजम्पशन है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, याद कर लीजिए, बहुत ही आसान यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कंक्रीट व इस्पात के बीच जो अभिलाग होता है, इस्पात की प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होता है, ठीक है। कंक्रीट और इस्पात के बीच जो बॉन्ड होता है, ये कंक्रीट और कंक्रीट के बीच में ये इस्पात आ गया, कंक्रीट है आपकी बीम, उसके बीच में ये इस्पात आ गया, तो इनके बीच जो बॉन्ड होता है, जो अभिलाग होता है, वो इस्पात की प्रत्यास्थ सीमा तक क्या होता है, परिपूर्ण होता है, ठीक है। और कंक्रीट की तनन सामर्थ्य जो होती है उपेक्षित कर दी जाती है, जो उसकी टेंशन स्ट्रेंथ होती है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, कंक्रीट को मान लेते हैं कि कंक्रीट आपकी जो है कि उसकी तनन में जो है कि सामर्थ्य क्या है, शून्य मान लेते हैं, ठीक है, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात जो होते हैं पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं, अर्थात प्रतिबल जो होती है विकृति के सीधा समानुपाती होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंक्रीट और इस्पात होते हैं दोनों हुक के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, यानी कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का जो प्रतिबल होता है विकृति संबंध एक सीधी सरल रेखा में होता है। ये पॉइंट को हम क्लियर करेंगे कब, जब आगे डायग्राम बनाएंगे तब, ठीक है। तो ये जो कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का जो प्रतिबल होता है विकृति संबंध एक सीधी सरल रेखा में होता है, ये पॉइंट आपका आगे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ऐसा होता है। उसके बाद प्रबलन इस्पात तथा कंक्रीट में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं जब हम स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, यानी प्रारंभ अवस्था में जब होता है, जब यूज किया जाता है स्ट्रक्चर में, तो उस समय प्रबलन इस्पात हो या कंक्रीट हो दोनों में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक जो है कि प्रतिबल स्ट्रेस नहीं होते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इस्पात तथा कंक्रीट की प्रत्यास्थता मापांक, यानी इस्पात की जो प्रत्यास्थता मापांक है उसको ES से प्रदर्शित करते हैं, और कंक्रीट की जो प्रत्यास्थता मापांक होती है उसको EC से प्रदर्शित करते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, अचर माने जाते हैं, यानी कॉन्स्टेंट होते हैं, ठीक है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, उसको भी आगे हम नेक्स्ट में क्लियर कर देंगे, ठीक है, ओके। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।